राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा स्तन कैंसर जागरूकता माह के अवसर पर राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, आशा कार्यकर्ताओं और जन समुदाय ने हिस्सा लिया। आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के विशेषज्ञों ने स्तन कैंसर के शुरुआती लक्षणों की पहचान, नियमित जाँच की महत्ता और स्वास्थ्य जीवन शैली के लाभों पर इसकी चर्चा की। इसके साथ ही स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जागरूकता रैली व क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान NHM की सहायक निदेशक डॉक्टर फरीद जुफर ने महिलाओं से नियमित रूप से जांच करने, स्क्रीनिंग कराने और किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज न करने की अपील की। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि एपिडेमियोलॉजी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अध्ययन में के अनुसार प्रतिवर्ष भारत में 25.8 प्रति 1 लाख महिलाओं को स्तन कैंसर होता है। इसके अनुसार उत्तराखंड में अनुमानित 1470 महिलाएं स्तन कैंसर से ग्रसित हैं। प्रदेश के समस्त आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्तन कैंसर की जांच निःशुल्क की जा रही है। विगत 3 वर्षों में वर्तमान तक 7.5 लाख महिलाओं को कैंसर की जांच की जा चुकी है। इसी बीच कम्युनिटी मेडिसिन की HOD डॉक्टर अनुपमा आर्य ने बताया कि स्तन कैंसर से बचाव के लिए सावधानियां और जीवन शैली में बदलाव सहायक हो सकते हैं, जिसमें स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने, संतुलित आहार, अधिक फल सब्जियां और अनाज का सेवन करें जो कि कैंसर के जोखिम को कम करता है। उन्होंने बताया कि नियमित परीक्षण और जांच, हर महीने स्तनों की खुद जांच कराएं ताकि किसी प्रकार की गांठ या असामान्यता को जल्द पहचाना जा सके। वही कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि स्तनपान करवाना माँ और बच्चे दोनों के लिए लाभदायक होता है, साथ ही यह स्तन कैंसर के जोखिम को कम करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड का यह प्रयास महिलाओं को सशक्त बनाने और स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। इस जागरूकता अभियान के तहत स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क परामर्श और जांच सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं कार्यक्रम में अपर मुख्य चिकित्सा डॉक्टर निधि रावत, डॉक्टर उमा रावत, डॉक्टर अजय नगरकर, सहायक निदेशक NHM डॉक्टर सौम्या खरे व अन्य स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।